नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के अड्डे पर करीब 250 आतंकियों के मौजूद होने संबंधी खुफिया जानकारी के बीच सेना ने नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से किसी भी नापाक प्रयास का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। एलओसी पर कश्मीर के सबसे उत्तरी हिस्से केरन सेक्टर में अर्गिम चौकी पर तैनात सैनिक दोनों देशों के बीच पिछले साल फरवरी से संघर्ष विराम के बावजूद उच्च सतर्कता बरत रहे हैं। सीमा पर सैनिक दो मोर्चों पर लड़ते हैं, एक ओर में पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखते हैं और वहीं दूसरी ओर उन्हें भीषण सर्दी से भी मुकाबला करना होता है। सेना का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठ कम हुई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक एलओसी के पार घुसपैठ के लिए विभिन्न लॉन्च पैड पर करीब 250 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। इसे लेकर सेना के अधिकारी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। आज से कांग्रेस ने भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। 3,570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत से पहले श्री पेरुम्बुदूर पहुंचे, जहां उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी ने यहां समाधि स्थल के सामने बैठकर प्रार्थना की। इसके बाद वे कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह के लिए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। 5 महीने की इस पदयात्रा की राहुल गांधी ने तमिलनाडु से आज बुधवार को आगाज कर दिया है। यात्रा 2 चरणों में होगी। भारत छोड़ो यात्रा में शामिल नेताओं के आराम के लिए किसी भी होटल में व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि उनके लिए खुले मैदान में ग्राम बनाया गया है। यात्रा जब अगले स्पॉट पर जाएगी तो ये आगे किसी मैदान में यही सेटअप लगेगा और कहीं भी 5-स्टार होटल में या किसी और जगह पर इनका काफिला नहीं रुकेगा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुधवार को भाजपा को जानो पहल के तहत 12 देशों के राजनयिकों से संवाद करेंगे। नड्डा इस पहल के तहत अब तक हुए 4 कार्यक्रमों में 47 विदेशी राजनयिकों से संवाद कर चुके हैं। पार्टी मुख्यालय में आज बुधवार शाम को होने वाले संवाद के दौरान भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौधरी वाले समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नड्डा विदेशी राजनयिकों को अपनी पार्टी के इतिहास, उसकी विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से अवगत करवाएंगे। वह राजनयिकों के सवालों का जवाब भी देंगे। इससे पहले जुलाई महीने में नड्डा ने 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की थी। पिछले साल 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर नड्डा ने इस पहल की शुरुआत की थी। देश भर में इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने बुधवार को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनकी कथित संदिग्ध फंडिंग के खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत कई राज्यों में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में छापेमारी जारी है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने RUPP, उनसे जुड़ी संस्थाओं, संचालकों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की है। ऐसा माना जाता है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विभाग द्वारा अचानक यह कार्रवाई की गई। आयोग ने हाल ही में भौतिक सत्यापन के बाद 87 संस्थाओं को RUPP की सूची से हटा दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज यानी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे हैं। केजरीवाल हिसार में युवाओं को मेक इंडिया नंबर 1 का मंत्र बताने पहुंचे हैं। इस दौरान का कार्यक्रम अपने पैतृक गांव खेड़ा का भी बन सकता है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हिसार पहुंचे हैं और इसी के साथ सीएम केजरीवाल 8 सितंबर को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपकी इस रैली को आदमपुर उपचुनाव से पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश भर में मानसून की कम बारिश की वजह से बने सूखे के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे की स्थिति की सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों के DM को निर्देशित करते हुए एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लापरवाही या देरी होने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री ने किसानों से ट्यूबवेल बिल वसूली और कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि यूपी के 75 जिलों में से 62 जिलों में इस बार औसत से कम बारिश हुई है और इसकी वजह से वहां सूखे के हालात बन गए हैं। किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के सर्वे का निर्देश देते हुए 75 टीमें गठित की हैं। ये सभी टीमें जिले का सर्वे करेंगी और सभी DM को एक हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार सुबह इस बाबत ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा। यूपी के सोनभद्र के ओपरा और चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराबंकी जिले की पुलिस पहुंची। यहां बाराबंकी पुलिस और सोनभद्र पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की। दरअसल मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज खान उसके भाई जुबैर की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। सोनभद्र में अफरोज खान द्वारा श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड्यंत्र कर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर एम्बुलेंस खरीदने व संगठित गिरोह बनाने का आरोप है। मौके पर पहुंची टीम के द्वारा ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी के सुमन नगर में 2,33,70,960 का मकान व जमीन तथा चौपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटवत ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की लागत की जमीन पर लगभग 1,60,00,000 रुपए का निर्माणाधीन कटरा कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।